प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद एक बार फिर टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है। यहां लोग कोविड से बचाव के लिए अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिन में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने अपील की कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन का प्रथम डोज लग चुका है वो जल्द अपनी दूसरी डोज लगवाएं। जयपुर में हमने 94% प्रथम डोज और लगभग 56% सेकंड डोज का टारगेट अचीव कर लिया है। जब से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोग सेकंड डोज को समय पर लगाएं, पर पिछले कुछ दिनों में शिथिलता आई है। अब वापस लोगों में वापस एक नई संचार ऊर्जा संचार हुआ है। हमारे द्वारा विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं और पिछले 3 दिन में हमने 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है। लगातार हर रोज़ हम विशेष कैंप लगा रहे हैं। मुझे आशा है दिसंबर में भी जो हमारा ये गैप है जो सेकंड डोज फर्स्ट डोज का कंप्लीट कर लेंगे और अच्छी वैक्सीनेशन की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। यदि किसी का फर्स्ट डोज बाद सेकंड डोज का समय निकल गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। टाइम निकलने के बाद भी सेकंड डोज लगवाई जा सकती है। तो सभी लोग अपने पास के सेंटर पर जाएं और अपनी सेकंड डोज लगाएं। आज मैंने कोरोना की सेकंड डोज लगवाई है और इसको लगवाना बहुत ज़रूरी है और सभी को लगवाना चाहिए। और जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है उसका सबको बचाव हो सके। अपना आना मतलब।